हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मार्च 2022 के अंदर निकाली गई पांच बड़ी भर्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके संबंधित विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस संबंध में आपको पूरी जानकारी एक एक करके दी जाएगी। तो सारे अपडेट के लिए चैनल में बने रहिएगा और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए टॉप फाइव जॉब डिटेल के बारे में आपको अपडेट देते हैं कि कैसे यहाँ पर इस भर्ती के लिए क्राइटेरिया और योग्यताएं मांगी गई है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जॉब अपडेट की तरफ हम चलते हैं। ये CISF हेड कांस्टेबल की तरफ से भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर हेड कांस्टेबल के पद के लिए वैकेंसी है। 249 पदों पर भर्ती ली जानी है। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयनित अभ्यर्थी का पूरे भारत में जॉब लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अभ्यर्थी 12वीं पास होना आवश्यक है। वहीं उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई है। सैलरी की बात कर ले, इस भर्ती के लिए 25,500 से 81,100 रुपये प्रति माह तय किया गया है। साथ में आपको अलाउंसेस भी दी जाएगी। वहीं यहाँ पर इस भर्ती के लिए 31 मार्च 2022 ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 7 अप्रैल 2022 लास्ट डेट है। वहीं जनरल OBC अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये देंगे। SC ST फीमेल अभ्यर्थी फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर SBI के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको देना होगा। वहीं अभ्यर्थी का सिलेक्शन यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए CISF की ऑफिशियल वेबसाइट www.cisf.gov.in पर या फिर cisfrect.in पर विजिट करके यहां पर कर सकते हैं। यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। वहीं दूसरी जॉब अपडेट की तरफ हम आ गए। यहां असम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी है, कॉन्स्टेबल असिस्टेंट स्क्वाड और कमांडर, और यहाँ ड्राइवर के पद के लिए है। 487 पदों पर वैकेंसी है। 470 कांस्टेबल के लिए, असिस्टेंट स्क्वाड के लिए 5 और ड्राइवर के लिए 12 पद है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। भारत से महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं क्वालिफिकेशन देख लें, कांस्टेबल असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर के लिए 12वीं पास आवश्यक है और ड्राइवर के पद के लिए 8वीं पास आवश्यक है। वहीं उम्र सीमा कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है और असिस्टेंट स्क्वाड कमांडर के लिए 20 से 40 वर्ष तय की गई है। आपको यहां 14,000 से 60,500 रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। वहीं लास्ट डेट 17 मार्च 2022 रखी गई है। सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी शुल्क यहाँ नहीं ली जा रही है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस, यहां पर आपका रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट police.assam.gov.in पर या slprv.assam.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब हम चलिए तीसरे जॉब अपडेट की तरफ चलते हैं। ये भर्ती गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड GPSSB की तरफ से है, जहां पर जूनियर क्लर्क या अकाउंट क्लर्क के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 1181 पदों पर GPSSB की तरफ से भर्ती ली जानी है। ऑनलाइन मोड से यहां आवेदन किया जाएगा। पूरे भारत से यहां पर आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब लोकेशन गुजरात क्षेत्र में रहने वाला है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात कर लें, अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक है और 18 से 36 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। उम्र सीमा में छूट सरकार के नियमानुसार रहेगा। सैलरी यहां पर आपको 19,950 रुपये प्रति माह इस भर्ती के लिए दी जाएगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2022 रखी गई है और फीस पे करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 है। यहाँ पर आवेदन शुल्क 100 रुपये रहेगा। आपको SBI EPA के द्वारा यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं सिलेक्शन एग्ज़ाम या रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर अभ्यर्थी का किया जाएगा और
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, gpssp.gujarat.gov.in पर या फिर ojas.gov.in पर जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले जॉब अपडेट की तरफ। तो ये जॉब है ECR रेलवे की तरफ से, ईस्ट कोस्ट रेलवे ECR की तरफ से है। अप्रेंटिस के 756 पदों पर वैकेंसी है, जहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। पूरे भारत से महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं जॉब लोकेशन पूरे भारत में रहने वाला है और इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास और ITI किया होना आवश्यक है। वहीं उम्र सीमा की बात कर लें, 15 से 24 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वहीं सैलरी यहाँ पर एज पर रूल रहेगा अप्रेंटिस के अनुसार, और यहाँ पर 7 मार्च 2022 आवेदन करने की लास्ट डेट है और फ़ी पे करने की लास्ट डेट 7 मार्च 2022 है। जनरल OBC WS यहाँ 100 रुपये आवेदन शुल्क देंगे। SC ST PH और महिला अभ्यर्थी फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप यहाँ पर शुल्क दे सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान का प्रयोग आप कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर यहाँ अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट rrcbvs.org.in पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब अगले जॉब अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये भर्ती सेल की तरफ से निकाली गई है, जहां पर अप्रेंटिस के विभिन्न पदों के लिए यहां वैकेंसी है। 639 पदों पर वैकेंसी यहां पर है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पूरे भारत में रहने वाला है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात कर लें, अभ्यर्थी 12वीं पास के साथ यहाँ ITI रिलेवेंट ट्रेड में हो, वे यहाँ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर उम्र सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है। यहाँ पर सैलरी अप्रेंटिस के रूल के अनुसार रहेगी और यहाँ पर 6 मार्च 2022 आवेदन करने की लास्ट डेट तय की गई है। यहाँ पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं और यहाँ सिलेक्शन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होना है। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sell.co.in पर जा सकते हैं या फिर sellcareers.com पर जा करके ऑनलाइन माध्यम से आवेदन यहां पर कर सकते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkarirozgarnews.com पर जा सकते हैं और सभी विभागों की तरफ से निकाली गई इन भर्तियों की वहां नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। साथ ही वहां आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी वहां मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर से चेकआउट कर लें और इस तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।